यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, हम जब से वॉर स्टार्ट हुई तब से यहाँ स्टक हो बैठे हैं और बोला गया कि इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू कि हमारा एवैक्यूएशन हो गया है, 450 कितने बच्चों को हमें नहीं पता, वो वहां से किया गया जहां से बॉर्डर में है, इसलिए यहां से उठाए बच्चों को वहां रख दिया। हम मेन कीव में है, उनका टारगेट कीव ही है रशियन का, तो बस यहाँ पे हम फंसे हुए हैं। कल हमारे हॉस्टल के बाहर फायरिंग हुई है और इनफैक्ट 2-3 मिलिट्री वाले अंदर घुसे हैं, वो हमारे कुछ कोऑर्डिनेट्स चेक करके गए हैं, पता नहीं हम टारगेट पे हैं कि नहीं है, पर कुछ साइन बना के गए हैं हमारे ऊपर, पता नहीं कब मिसाइल हमारे पर आ जाती है। इंडियन गवर्नमेंट चाहती है किसी एक बच्चे की डेथ हो या किसी पे कुछ का कुछ हो तो वो अपनी पॉलिटिक्स के बोर्ड्स बनाए और हमें वहां पे इंडिया भेजे, ये चाहती है इंडियन गवर्नमेंट। हम पता नहीं क्या, हम यहाँ पढ़ने आए थे और यहाँ फंस गए इसके लिए, एमबीबीएस करने आए, ना हम यहाँ कमाने ना कोई बिजनेस करने आए, बस स्टडी करने आए थे क्या कल को हम इंडिया जाके अपनी कंट्री को सर्व कर पाए। यहाँ पे हम खुद स्टक हो गया, हमारी कंट्री कुछ नहीं कर रही हमारे लिए, कहती इंडियन गवर्नमेंट सबसे हम कर रहे हैं, वैक्यूट कर रहे हैं। आज एम्बेसी को फोन किया गया, सुबह एम्बेसी बोल रही है कि एक हफ्ता कोई नहीं कुछ कर सकता, बताइए आप, हम जाएं तो जाएं किसके हाथ से लाएं, बताइए यहाँ पे टारगेट के लिए, हमें पता नहीं रशिया हमारे साथ है यूक्रेन हमारे साथ है, जब हमने देखा हमें तो हमें शूट आउट कर दिया जाएगा, आज बाहर कर्फ्यू लग गया, ना हम खाने का हमारे पास कुछ है, ना कुछ पीने का कुछ हो रहा है, क्या करें तो करें क्या। और इंडिया गवर्नमेंट कुछ शो दिखाई जा रही है न्यूज में, वो दिखाया जा रहा है कि हाँ वैकेशन हो गया, हो गया। जब मैं दोस्त है पूछ लीजिए, इनसे पूछ लीजिए, कल रात को लगभग 2-2.5 बजे के आसपास दो लोग हॉस्टल में घुसते हैं, वो लोग उनके पास में गन्स होती हैं और वो लोग चेक करके जाते हैं, कुछ कोऑर्डिनेट्स वगैरह कुछ चेक करके जाते हैं, पहले देखते हैं कि कितने लोग रह रहे हैं यहाँ पे, सीसीटीवी कैमरास को कैप्चर करते हैं, देखते हैं, और उसके बाद में वो ऊपर जाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, कोऑर्डिनेट्स वगैरह लेते हैं, कुछ तो करते हैं, नहीं पता क्योंकि सब लोग बंकर्स में थे, हम सब डरे हुए थे। कल जो दो बंदे घुसे थे उनके साथ में गन भी हो, गन में हाथ में गन लेके घुसे हुए थे, शॉटगन लेके हुए घुसे हुए थे, और हमें ये भी नहीं पता है कि वो यूक्रेन बंदे थे या फिर रशियन बंदे थे या फिर सिविलियंस थे, हमें ये नहीं पता है। और सबसे बड़ी और यहाँ पर ऑलरेडी 200 से ज्यादा बंदे फंसे हुए हैं हम लोग, और बड़ी से एक बात है, और हमारे हॉस्टल गेट है, मेन गेट है और कैंपस का गेट है वो तोड़ा हुआ गया है, अभी हमारे पास कोई सिक्योरिटी भी नहीं है।